Hello everyone, welcome back to my channel. If you want to lose your weight, you must eat your favorite foods. और आपके फेवरेट फूड क्या हैं? इसका जवाब सिर्फ आपके पास है. क्योंकि जंक और फ्राइड तब तक हमारे फेवरेट होते हैं जब तक हम अवेयर नहीं होते. एंड आई एम श्योर एक बार आप अवेयर हो गए देन दिस गोल विल बी वेरी ईजी फॉर यू. डोंट लूज़ योर वेट फॉर अदर्स और फॉर अ पर्टिकुलर ड्रेस बट लूज़ योर वेट फॉर अ हेल्दी लाइफ. कुछ कॉमेंट्स थे कि विंटर वेट लॉस डाइट प्लान के बारे में बताएं, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैंने कभी खुद कोई डाइट प्लान फॉलो ही नहीं किया. क्योंकि कोई भी डाइट प्लान एक टाइम तक तो वेट लॉस में हेल्प करता है, बट जैसे ही हम अपनी रूटीन लाइफ में वापस आते हैं तो डबल स्पीड से बढ़ जाता है. इसीलिए वेट लूज़ करने के लिए सबसे पहले मैंने फूड की नॉलेज ली एंड आई चेंज्ड माय लाइफस्टाइल. हर मील की कैलोरीज काउंट नहीं करती हूँ मैं, बस अकॉर्डिंग टू माय एक्टिविटी अपने मील्स कंज्यूम करती हूँ. ज़्यादा काम पे ज़्यादा और कम काम करने पे कम खाना. इट्स नॉट जस्ट अबाउट फूड कैसा होना चाहिए, इट्स अबाउट लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए. तो चलिए देखते हैं दिन भर मैं क्या खाती हूँ और कैसे. फर्स्ट थिंग शुड बी फर्स्ट, फॉर क्लिनजिंग माई बॉडी आई टेक लेमन विद वार्म वाटर एवरी डे. लेमन वाटर आपके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाता है कि आपको सर्दी जुकाम भी कभी नहीं होता. इसीलिए विंटर्स हो या समर, मैं एवरी मॉर्निंग सबसे पहले लेमन वाटर लेना पसंद करती हूँ. वेट लॉस में लेमन ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब हम उसे जीरा वाटर के साथ लेते हैं. तो जीरा वाटर बनाने के लिए 1.5 से 2 लीटर पानी में 1 चम्मच जीरा डाल के उसको बॉयल कर लेना है. बस बॉयल करके उसको बंद कर देना है और ठंडा करके इसी पानी में सुबह नींबू डाल के आपको पीना है. माई एवरी टाइम फेवरेट फर्स्ट मील इज़ बनाना. बनानाज आर हाई इन फाइबर एंड फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी. कुछ लोगों का कहना है कि बनाना खाने से वेट बढ़ता है, ये सब मिथ है. बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो ईट बनाना डेली. मैं सुबह चाय नहीं पीती हूँ. आप चाय पीना चाहते हैं तो फ्रूट खाने के 15 मिनट बाद पी सकते हैं विद वेरी लेस शुगर. आई ईट माई ब्रेकफास्ट इमीजिएटली आफ्टर माई वर्कआउट. मोस्टली मेरे ब्रेकफास्ट में एग्स होते हैं. आज मैं ले रही हूँ 2 whole eggs, ग्रीन स्मूदी एंड 6 to 7 आलमंड. रोटी परांठा मैं ब्रेकफास्ट में अवॉइड ही करती हूँ. रोटी खाने के लिए लंच और डिनर है. वी शुड ट्राई डिफरेंट हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज फॉर आर ब्रेकफास्ट. मेरे चैनल पर जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज मिल जाएंगी. ग्रीन स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जार में डाले हैं कुछ पालक के पत्ते, कुछ पीसेस एप्पल के और साथ ही कुछ पीसेस कुकम्बर के डालूंगी मैं. आप अपनी मनपसंद का फ्रूट डाल सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल है. 1 चम्मच डाला है फ्लैक्सीड यानी कि अलसी, प्रोटीन पाउडर, कर्ड डाला है 2 चम्मच और साथ ही डाल दूंगी थोड़ा सा पानी और बस इसे ग्राइंड कर देंगे और आप इसे ले सकते हैं. अगर आपके पास प्रोटीन पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्वीटनर के लिए हनी डाल सकते हैं. जो लोग एग्स नहीं खाते हैं वो 2 बेसन का चीला ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में. बेसन का चीला भी हाई इन प्रोटीन होता है. आपको एक बात याद रखनी है कि वेट लॉस में आपको प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना है और कार्ब्स का कम से कम. तो बेसन का चीला बनाने के लिए बेसन में मैंने ऐड की है कटी हुई शिमला मिर्च, टोमेटोस, ग्रेटेड कैरेट, ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, ग्रीन चिली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप खाते हैं तो, आमचूर पाउडर, सॉल्ट और पानी डाल के इसका एक थिक घोल बना लेंगे और नॉनस्टिक तवा पे बेसन के चीला बना लेंगे. बॉयल एग के अलावा कई बार मैं एग ऑमलेट बनाती हूँ विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स और साथ ही मैंने थोड़ी सब्जी ली हुई है, घिया तोरी की सब्जी और साथ ही कुछ आलमंड्स. तो इस तरह का ही हेल्दी ब्रेकफास्ट मैं हमेशा करना पसंद करती हूँ. वी आर नॉट लिविंग इन अ परफेक्ट वर्ल्ड. आज के टाइम में खाने में हमें प्योर चीज़ें नहीं मिलती हैं और कितना भी हेल्दी खाने की कोशिश करें सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो पाते हैं. दैट्स व्हाई आई टेक 1 टैबलेट ऑफ मल्टीविटामिन डेली आफ्टर माई ब्रेकफास्ट एंड 1 टैबलेट ऑफ कैल्शियम आफ्टर माई डिनर. अगर 9 बजे तक मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया है तो 11:30 से 12 के बीच में मैं एक फ्रूट लेती हूँ. क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अगर ज़्यादा गैप हो जाए तो लंच में हम ओवरईट भी कर सकते हैं, विच इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ वेट गेन. लंच में मैं बना रही हूँ मल्टीग्रेन आटे की रोटी और साथ में वाइट चना. मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाने से एक ही रोटी में आपको बहुत सारे ग्रेन्स के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लेकिन यूरिक एसिड पेशेंट और थायराइड पेशेंट्स को इस आटे को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें सोया होता है जो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है.
चना मसाला बनाने के लिए मैंने नॉर्मली जैसे हम मसाला रेडी करते हैं सब्जी बनाने के लिए प्याज टमाटर का मसाला रेडी किया है और उसमें डाले हैं बॉईल किए हुए चनास। और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर और साथ ही चना मसाला। तो लंच में नॉर्मली भी रोटी सब्जी या दाल राइस ही लेती हूँ, कोई भी अनदर मैंने डाइट प्लान फॉलो नहीं किया है कभी भी वेट लॉस करने की। तो ये है मेरा आज का लंच, एक कटोरी चना, साथ में कुछ कैप्सिकम ऐड की है क्योंकि मुझे रॉ वेजिटेबल्स बहुत पसंद है, एक चपाती, सैलेड और 3 टेबलस्पून ऑफ कर्ड या रायता, आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 चम्मच देसी घी का क्योंकि गुड फैट बैड फैट को बर्न करता है। फूड के साथ लेमन लेने से आपका फूड एसिडिक से अल्कलाइन बन जाता है। तो अगर मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट इतना खाना है और अगर मैं इससे डबल लेती हूँ तो हाफ तो बॉडी अब्जॉर्ब कर लेगी और बाकी का हाफ फैट की फॉर्म में स्टोर कर लेगी। तो उतना ही खाना खाएं जितनी ज़रूरत है। अब ये पता कैसे चलेगा कि रिक्वायरमेंट कितनी है? अपनी प्लेट में हमेशा कम ही खाना डालें और इतना स्लो खाएं कि एक बाइट को 20 टाइम्स च्यू करके खाएं। थोड़ी ही देर में ब्रेन को मैसेज जाएगा कि आप फुल हो गए हैं और स्लो खाने की वजह से ओवर ईट से बच जाएंगे। दिस इज द ओनली सीक्रेट ऑफ वेट लॉस। अगर ये याद रह जाए तो 3 महीने में आप अमेजिंग रिजल्ट्स देखेंगे। रोटी के अलावा कड़ी राइस, दाल राइस, चना राइस, मतलब जनरली जो भी घर में बनता है सिर्फ वही खाना है। राइस और रोटी की क्वांटिटी हमेशा कम रखें क्योंकि ये हाई कार्ब्स है जिसकी फैट लॉस में उतनी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब हम बॉडी को एनर्जी कम देंगे और यूज ज्यादा करेंगे तो उसे वही एनर्जी स्टोर्ड फैट में से निकालनी पड़ेगी, विच लीड्स यू टू जर्नी ऑफ फैट लॉस। लंच करने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करे तो छोटा पीस जैगरी का ले सकते हैं, अदर शुगरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। इवनिंग स्नैक में ज़्यादातर मैं ग्रीन टी लेना ही पसंद करती हूँ, उसके साथ डिफरेंट ऑप्शंस ले लेती हूँ जैसे कि हैंडफुल ऑफ रोस्टेड पीनट्स। ग्रीन टी में लेमन डाल के पीना बहुत इफेक्टिव होता है। उसके अलावा आप बिना बटर के पॉपकॉर्न्स भी ले सकते हैं और मखानास भी। के दिनों में ग्रीन टी के अलावा एक लस्सी का गिलास ले लेती हूँ और विंटर्स में ग्रीन टी के अलावा ले लेती हूँ एक बाउल ऑफ सूप। मेरे चैनल पे हेल्दी सूप की रेसिपी की एक वीडियो भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। डिनर में ले रही हूँ एक कटोरी चिकन, साथ ही ब्लैक पेपर पापड़ जिसे मैंने तवे पे रोस्ट किया है, एक चपाती और साथ ही ग्रीन चटनी। जो फूड हम बचपन से खाते आ रहे हैं अगर वही फूड हमें वेट लॉस में हेल्प करता है तो किसी और डाइट प्लान की क्या जरूरत है। लंच और डिनर में एक एक चपाती कम करने से मंथ की 60 चपातीज कम हो जाती हैं, कि हर मील में बहुत सारा गैप ना होना और बहुत चबा के खाना खाने से आप ओवर ईट से बच जाते हैं। आप माने ना माने लेकिन यही चीजें आपको वेट लॉस में अमेजिंग रिजल्ट्स देती हैं और आपका लाइफस्टाइल बन जाती हैं और जिंदगी में कभी आपको वेट गेन की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। ड्यूरिंग वेट लॉस मैं अपना डिनर बिफोर 7:30 कर लेती थी विदाउट किसी का वेट किए हुए, और आज भी मैं अपना डिनर सोने से 2 घंटे पहले कर लेती हूँ। डिनर में चिकन नहीं तो सब्जी हो या दाल, आपको एक चपाती के साथ सिर्फ एक कटोरी ही खानी है। 35 के बाद बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कैल्शियम की एक टैबलेट लेना बहुत जरूरी है जिसको मैं आफ्टर डिनर लेती हूँ। तो देखा आपने, फूड वही सेम है लेकिन उसकी क्वांटिटी और उसके खाने के तरीके में थोड़ा सा चेंज करने से पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।